सिंहपुर और महतेश्वरी क्लब बी के बीच ये मैच हो रहा है। सिंहपुर कल गजब के परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, क्या इस बार आज क्वार्टर फाइनल, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है ये, पहला रेड सिंहपुर के तरफ से। बहुत ही बढ़िया ये खिलाड़ी कल खेल रहे थे, दो नंबर में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे। पहला रेड एमटी लगा के आए हैं, अब चले हैं 52 बीघा की तरफ से। और पूरा का पूरा डिफेंस है, ओ बढ़िया टच लगा यहाँ पे, पहला रेड में ही खाता खोल लिए हैं। लेफ्ट कॉर्नर के इनको बाहर किए हैं, बहुत ही बढ़िया पॉइंट। फिर से चले हैं दो नंबर में, बहुत ही बढ़िया टैकल यहाँ पे देखने को मिला किसी के साथ। स्कोर 2 हो गया है, 52 बीघा 0 सिंहपुर। जरा 5 का डिफेंस हो गया है, बोनस ऑफ हो गया है 3 नंबर के लिए। बढ़िया बढ़िया मुकाबला देखने को मिला, सवार खाली हाथ वापस जाएंगे क्योंकि 2 लगातार रेड हुआ है, उसमें पॉइंट आया है। चले हैं 3 नंबर में, उधर बोनस ऑन है 3 नंबर के लिए। ये दो पे लास्ट पार। राइट कॉर्नर को रनिंग हैंड लगाने का प्रयास हुआ था, हालांकि लगा नहीं। इधर अभी भी 5 का डिफेंस कायम है, बोनस ऑफ है अभी भी। से चले हैं लेफ्ट रेडर, बहुत ही बढ़िया पॉइंट लेके गए थे, पहला रेड में आए थे, पहला रेड पॉइंट लेके गए थे। क्या इस बार भी पॉइंट लेके जाएंगे? दूसरा एम्प्टी रेड लगा के गए हैं, अगला रेड जो होगा डू और डाई रेड होगा महतेश्वरी क्लब के लिए। और ये बी टीम है, ए टीम बहुत ही बढ़िया खतरनाक टीम है, का मुकाबला होना बाकी है। डू और डाई रेड आ गया है, 5 का डिफेंस है, बोनस ऑफ है, पॉइंट तो लाना पड़ेगा यहाँ पे रेडर को। बहुत बढ़िया टैकल यहाँ पे, राइट कॉर्नर से चैन टैकल आया है। डू आर डायरेक्ट इधर भी सिंहपुर के लिए भी डू आर डायरेक्ट आ गए इधर, हालांकि बोनस ऑन है, कवर पे टच लगा है, अच्छा टच, रनिंग हैंड टच लगाए हैं। बावन बीघा के लिए भी यहाँ पे बोनस ऑन हो गया है, 7 के 7 डिफेंडर्स हैं। बहुत बढ़िया टैकल यहाँ पे देखने को मिला, राइट और लेफ्ट कॉर्नर का कॉम्बिनेशन टैकल इसे कहते हैं, अच्छा टैकल लगाए हैं यहाँ पर। अब उधर 4 का डिफेंस हो गया है, बोनस ऑफ है, 2 नंबर के रेडर गए हैं लेफ्ट से रेडर लगाने के लिए। कल बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे थे, क्या आज क्वार्टर फाइनल में अच्छा मुकाबला में क्या अपना छाप छोड़ेंगे? हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इस मैच को शेयर करें, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन मुकाबला आज होने वाला है। चले हैं 3 नंबर में फिर से, 7 का डिफेंस है, बोनस ऑन है 3 नंबर के लिए, बहुत ही बढ़िया डिफेंस, हालांकि खेल रही है सिंहपुर का भी। और ये क्या बढ़िया टैकल यहाँ पे देखने को मिला, सुंदर टैकल यहाँ पे देखने को मिला, राइट कॉर्नर से टीम का सपोर्ट आया, इधर सुपर टैकल हो गया है ऑन। 3 का डिफेंस है, 2 नंबर के रेडर गए हैं रेड करने के लिए।
वाली आज वापिस आएंगे क्योंकि कोई नहीं चाहता टैकल हो दो पॉइंट दे एक्स्ट्रा होगा। टाइम आउट लिया गया है, पहला टाइम आउट है सिंहपुर की तरफ से। चले दो नंबर में इधर टच का दावा कर रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर पे। रेड राउट सुपर टैकल हो गए यहाँ पे। एक नंबर के रेडर गोपी जी इधर चार का डिफेंस हो गया है वहां पर। और अब यहां पर डुआ डायरेक्ट हो गया है मातेश्वरी क्लब के लिए। यहां पर इधर छह का डिफेंस, हालांकि बोनस ऑन है। बोनस का प्रयास हुआ है लेकिन अच्छा डिफेंस यहाँ पे, अच्छा डैश देखने को मिला कवर से। चले तीन नंबर के रेडर बहुत ही बढ़िया कल खेल रहे थे, सुपर टैकल ऑन है इनके लिए। डू और डायरेक्ट आ गया है यहाँ पर, सुपर टैकल ऑन है। दो नंबर के रेडर गए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ये क्या अच्छा सुपर टैकल देखने को मिला बावन विभाग की तरफ से। ये कबड्डी का खेल है, चोट लगते रहता है। और यहाँ पे बोनस ऑन है, बहुत बढ़िया की लेकिन यहाँ पे डिफेंस काम किया है, अच्छा टैकल देखने को मिला। चले हैं फिर से तीन नंबर के रेडर यहाँ पे, अभी भी सुपर टैकल ऑन है। क्या इस बार सुपर टैकल देखने को मिलेगा यहाँ पर या फिर पॉइंट आएगा? एंट्री रेट लगा के वापस आए हैं अपने कोर्ट में। सात का डिफेंस कायम है इधर, टाइम आउट लिया गया है इधर सिंहपुर की तरफ से। टाइम आउट के बाद फिर से मैच स्टार्ट हो गया, सुपर टैकल अभी भी जारी है। तीन नंबर के रेडर गए, तीन का डिफेंस उधर है कायम। और यहाँ पे मिस्टेक हुआ राइट कॉर्नर से, पांच नंबर को बाहर जाना पड़ेगा इस बार। टाइम आउट लिया गया है, खिलाड़ी को चेंज किया जा रहा है। टाइम आउट के बाद फिर से मैच स्टार्ट हो गया है। और हम पॉइंट गया है। और अब चले हैं इधर फिर से लेफ्ट से रेड लगाने के लिए बावन विघा की तरफ से। बहुत ही बढ़िया पहला रेड आए थे, पहला रेड पॉइंट लेकर गए थे। अभी देख रहा है खामोश है। अभी भी सुपर टैकल जारी है। नंबर दो पे है, गाड़ी कर दो पे पर्चे प्राप्त करेंगे।
बहुत ही बढ़िया सुपर टैकल देखने को मिला इस बार फिर से। अभी भी सुपर टैकल जा रही है, अगला बार सुपर टैकल भी देखे थे हम लोग, क्या इस बार भी सुपर टैकल होगा। यहाँ पर रेडर बाजी मारेंगे, खाली हाथ वापस आए हैं, शायद डुआ डायरेक्ट पे खेलना चाहते हैं। और यहाँ बोनस ऑन हो गया है, डायरेक्ट आ गया है सुपर टैकल ऑन है, क्या सुपर टैकल होगा या फिर अच्छा टच। डुआ डायरेक्ट आ गया है, इधर भी वामन विभाग के लिए भी डुआ डायरेक्ट है, हालांकि बोनस ऑन है। अच्छा टच लगाए हैं यहाँ पर, डुआ डायरेक्ट था हालांकि पॉइंट ही लाना था। अभी सुपर टैकल जा रही है, कॉलेज के प्रिंसिपल वर्मा मासम। साथ हाफ टाइम हो गया है, बहुत ही बढ़िया मुकाबला चल रहा है। स्कोर बता दें 9 और 10 का स्कोर है, एक पॉइंट से बढ़त पे 52 है हाफ टाइम में। हाफ टाइम के बाद मैच स्टार्ट हो गया है, एक पॉइंट से बढ़त पे 52। पहला रेड हाफ टाइम के बाद है, शायद एंट्री रेड लगा के आए हैं क्योंकि सुपर टैकल इनको करना बेखौफी से आता है। दो दो तीन तीन सुपर टैकल देखे हैं आज, रेडरों को बिल्कुल खामोश रख रहे हैं सुपर टैकल में। अभी भी सुपर टैकल जारी है, दोनों टीम शायद हमें लगता है हाफ टाइम के बाद डुआ डायरेक्ट पे खेलने का साजिश करेंगे, कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे किक है, यहाँ पे अच्छा स्किल दिखाए हैं। सुंदर स्किल आगे बिल्कुल फोर्स किया, राइट कॉर्नर को आगे किए भगाए हैं, उसके बाद लेफ्ट कवर पे कीप चला दिए, अच्छा स्किल दिखाए हैं। चार का भी डिफेंस कायम है, 7 नंबर के रेडर आए हैं रेड करने के लिए, और क्या फुर्ती के साथ रेड कर रहे हैं। कभी कभी अक्सर ऐसे हम लोगों को देखने को मिल जाता है कबड्डी में, छोटी हाइट बड़ी फाइट हो जाती है, कभी डुबकी तो कभी जंप लगा देते हैं छोटे खिलाड़ी। और यहाँ पर फिर से वही रेडर गए हैं, क्या इस बार सेव करके आएंगे। डुआ डायरेक्ट आ गया है यहाँ पे सिंहपुर के लिए, 4 का डिफेंस है, बोनस ऑफ है रेडर के लिए, मुश्किल बढ़ेगा। ओ बढ़िया डाय यहाँ पे लगा है, क्या गजब का खेल रहे हैं, ऑलराउंड यहाँ पे ऑलराउंड परफॉर्म दिखा रहे हैं रेडर जो है, रेड कर रहे हैं डिफेंस भी कर रहे हैं। चार का डिफेंस कायम है सिंहपुर के कोर्ट में भी, लगातार प्रयास भी कर रहे हैं टच लगाने का।
फिर से 7 नंबर में आए, हमें लगता है कि वो भी मूड बना रहे हैं डिफेंस पे खेलने का। टेक्निकल पे 4 का डिफेंस अभी भी कायम है सिंहपुर के कोर्ट में, क्या यहाँ पर पॉइंट लेके आएंगे। यहाँ पर रेडर लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, ओ इस बार टैकल कर लिया गया, अच्छा जाल में फंसाए हैं, सुंदर चैन टैकल देखने को मिला। अच्छा अक्सर हम देख रहे हैं सिंहपुर के खिलाड़ी अधिकतर चैन टैकल कर रहे हैं, अक्सर कम देखने को मिलता है चैन टैकल। इधर भी 4 का डिफेंस है, इधर से तो लगातार डाई का प्रयास हो रहा है, कोशिश हो रहा है और कामयाब भी हो रहे हैं। पांच का डिफेंस हो गया है, मुझे लगता है शायद ये सेव करके आएंगे, डिफेंस पे खेलना चाह रहे हैं दोनों टीम। टाइम आउट लिया गया सिंहपुर की तरफ से, चलिए देखते हैं कोच साहब क्या कह रहे हैं अपने खिलाड़ियों को। यहाँ पर अब टाइम आउट के बाद डू और डायरेक्ट आ गया है, 4 का डिफेंस है, मुश्किलें बढ़ा है सिंहपुर के लिए, रेडर साबित होंगे लगातार, हालांकि प्रयास कर रहे, बढ़िया डाय यहाँ पे लगा है। और कोच का सोच था कि भाई सबर रखना, उसके बाद लास्ट में मारना, बढ़िया यहाँ पे कोचिंग देते हैं। कोर्ट नंबर 2 पे NER स्पोर्ट स्टेडियम नवलखा, और ये कोच का नाम है रामपाल, युवा कबड्डी सीरीज में ऑफिशियल में जाते हैं, उनके लिए भी फर्स्ट कॉल दिया गया है, आप लोग तैयार रहेंगे कोर्ट नंबर 2 पे। और ये क्या सुपर रेड लगाए हैं, क्या कोचिंग दिए हैं, गजब का रेड और डिफेंस दोनों ही टाइट हो गया है यहाँ पे, क्या रोमांचक मुकाबला चल रहा है, सिंहपुर के लिए खतरा बढ़ गया है, महज 2 खिलाड़ी बच गए हैं कोर्ट में, और शायद 1 खिलाड़ी बच गए हैं 7 नंबर में ही है, और हमें लगता है कि ये बोनस दे दिया जाए इन्हें, उसके बाद इनको टैकल किया जाए। ओ अच्छा टच, हमने कहा था छोटी हाइट बड़ी फाइट, और यहाँ पे दिखा दिए, कहना मेरा काम था करना उनका काम था, यहाँ पे सुपर टैकल ऑन हो गया है। अब बढ़िया जंप का यहाँ पे नजारा पेश किए हैं, क्या अच्छा टच यहाँ पे जंप लगाए हैं। बहुत ही बढ़िया रेड और डिफेंस काम कर रही है बाबा निगाह की तरफ से, और स्कोर बता दे 11-20 का स्कोर है, 22 है, 9 पॉइंट से बढ़त पे अभी भी, और 9 पॉइंट का लीड कोई मायने नहीं रखता कबड्डी में, कभी भी इसको काटा जा सकता है। सिंहपुर के भी खिलाड़ी लगातार प्रयास कर रहे हैं, हालांकि ऐसा बात नहीं है, अच्छा टैकल यहाँ पे देखने को मिला, सुंदर टैकल आया है एक बार फिर से बामन विघा की तरफ से, क्या गजब का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। चलें फिर से लेफ्ट से रेड लगाने के लिए, बढ़िया स्किप किए थे, अच्छा स्किल दिखाए थे, और इस स्किल का नाम आप लोग बताएं कमेंट में, कैसा ही हमने वीडियो डाले थे इंस्टाग्राम पर, पूछे तो कोई बताया था सुत्ती टैकल है, सुत्ती रेड क्या, सुत्ती मारना क्या क्या नहीं कह रहे थे, उसे इस टैकल का नाम बताया आप। दुआ डायरेक्ट आ गया है इस बार 52 के लिए, हालांकि बोनस ऑन है, लंबे हाइट के रेडर भी हैं, और ये क्या संपर्क
फिर से आए हैं छोटे हेड क्रिएटर, तो टच करने का हमें प्रयास था लेफ्ट कॉर्नर पे। फिर से लेफ्ट से रेड लगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। अच्छा यहाँ पे फिर से एक पॉइंट लेके आए हैं, क्या गजब का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, ऑलराउंड परफॉर्मेंस हालांकि दिखा रहे हैं। चले हैं तीन नंबर में, दुआ डायरेक्ट का मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रेडर इस बार सफल है, राइट कवर को बाहर किया है इस बार। बहुत बेहतरीन अनुभवी रेडर हमको लग रहा है, ऐसा बढ़िया कटिंग किया है इस बार, शानदार यहाँ पे कटिंग, यहाँ पे अच्छा रेड का जलवा दिखाया है। कल के मुकाबले से आज मुकाबला बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अच्छा टैकल एक बार फिर से देखने को मिला, एपीएस और बरेछा हाफ टाइम के बाद स्कोर है एपीएस 11 बरेछा 7। बढ़िया रनिंग है, टच लगा है इस बार, अच्छा शिकार। 80 से 7 मैच समाप्त हो, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला है, अच्छा मुकाबला चला यहाँ पर।